हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज 11 मई है। हम 11 मई के दिन जो भी इतिहास में घटित हुआ है, जो भी इवेंट्स हुए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। भारत में और इंटरनेशनली जो भी हुआ है इम्पोर्टेंट, सारे टॉपिक को कवर करने की ट्राई की है हमने, देखेंगे क्रम वाइज। 1956 में द गोल्ड कोस्ट गाना स्वतंत्रता, गाना की स्वतंत्रता हुई थी आज के दिन 11 मई को। गाना का ऑफिशियली नेम है द रिपब्लिक ऑफ गाना, जो कि वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है, जिसे आप नॉर्मली गाना के नाम से जानते हैं। गाना ब्रिटेन से स्वतंतत्रता प्राप्त करने वाला पहला अश्वेत अफ्रीकी राष्ट्र बना, ठीक है। becomes the first black African nation to be granted independence from Britain. ब्रिटेन से पहला स्वतंत्र प्राप्त करने वाला ब्लैक अफ्रीकन नेशन बना। दूसरी घटना है इंग्लैंड डेली स्कॉच क्लोजेस। इंग्लैंड में डेली स्केच क्लोचेस के नाम से एक न्यूज़पेपर था, जो कि वहाँ का सबसे पुराना न्यूज़पेपर था। ब्रिटेन्स ओल्डेस्ट टैबलॉइड न्यूज़पेपर द डेली स्केच क्लोचेस एंड इज पब्लिश फॉर द लास्ट टाइम, जो आज के दिन 11 मई को लास्ट बार पब्लिश किया गया था। ब्रिटेन का सबसे पुराना अखबार द डेली स्केच बंद हुआ आज के दिन और आखिरी बार प्रकाशित हुआ। 1997 में ये घटना घटित हुई थी। IBM's द डीप ब्लू डिफेक्टेड गैरी कैस्परोव टू विन ए सिक्स गेम चेस मैच बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर इन न्यूयॉर्क। 1997 में US के द ब्लू डीप की एक घटना है। IBM के द ब्लू डीप ने गैरी कास्परोव को हराकर न्यूयॉर्क में आदमी और कंप्यूटर के बीच 6 गेम का शतरंज मैच जीता था, आदमी और कंप्यूटर के बीच का। फिर क्या है आगे, 1998 की एक घटना है। भारत भूमिगत परमाणु परीक्षण की घटना है। 1974 में 20 साल से अधिक समय के बाद जब भारत परमाणु हथियार वाले देशों की सूची में शामिल हो गया, भारत भूमिगत परमाणु परीक्षण शुरू करता है। भारत ने भूमिगत परमाणु परीक्षण शुरू किया था। यह माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक नई परमाणु हथियारों की दौड़ का संकेत हो सकता है, मतलब वो संकेत हो गया था, संकेत था ये, जो 1947 में जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है, झगड़ा है, विवाद है, उसको लेकर युद्ध हो रहे थे। उस समय भी ऐसा माना जाता है कि 3 सप्ताह के भीतर पाकिस्तान ने भूमिगत परमाणु परीक्षण भी किया, भारत के बाद पाकिस्तान ने भी किया था वो। आफ्टर मोर देन 20 ईयर्स बैक In 1947, when India joined the list of countries with nuclear arms, India begins underground nuclear testing. It is believed this may signal a new nuclear arms race between India and Pakistan, who have been involved in 3 wars since its independence in 1947 over the disputed territories of Jammu and Kashmir. Within 3 weeks, पाकिस्तान ऑल्सो रन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया हिंदी में भी। बाद में 3 महीने के अंदर ही पाकिस्तान ने भी इस रेस में, इस भागदौड़ में अपना शामिल कर लिया था, खुद भी शामिल हो गया था। 2006 की एक घटना है। विकिपीडिया, आज लगभग हर व्यक्ति जानता है विकिपीडिया से कहीं ना कहीं रूबरू भी होता है। जब भी गूगल पर आप लोग या हम लोग
कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं किसी कंट्री के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी कंपनी के बारे में या कैसी भी इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादातर अपर लाइन में विकिपीडिया की साइड आती है, और विकिपीडिया को एक इंफॉर्मेशन की ट्रस्टेड साइड भी माना जाता है। तो ये क्या है, 2005 में चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, तो चाइना ने इसकी पॉपुलरिटी को देखकर एक वहाँ का एक अपना फैसला लिया, एक लॉ लाए वो, जिसमें उन्होंने इसे बैन कर दिया। और 2006 में अपनी इस विकिपीडिया जैसी ही सेम साइट बनाई, जिसे उन्होंने नाम दिया बेकपीडिया, बुकपीडिया, बेकुपीडिया नामक विकिपीडिया जैसी वेबसाइट बनाई इन्होंने, लॉन्च की 2006 में, ठीक है, जिस क्योंकि इसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी विकिपीडिया की। ये विकिपीडिया अमेरिका की कंपनी है, आई होप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो वो ध्यान रखें, विकिपीडिया अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की साइट है, जो कि चीन में 2005 में प्रतिबंध कर दिया गया था, जिस पर प्रतिबंधित की गई थी, ठीक है। बेकुपीडिया का इन्होंने अपना लॉन्च किया था 2006 में, आज ही के दिन 11 मई। 2007 में इंडिया ने सेलिब्रेट किया था, इंडिया सेलिब्रेट्स रिवोल्ट, 1857 में, आज ही के दिन यानी 11 मई को ये इंडियन सैनिकों के द्वारा एक रिवोल्ट किया गया था ब्रिटेन्स के अगेंस्ट, जिसको बहुत अच्छी सफलता भी मिली थी, जिसके कारण बहुत बदलाव हुए थे, बहुत सफलता मिली थी। इंडिया सेलिब्रेटेड द 150th एनिवर्सरी ऑफ द कंट्रीज रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, द डेज सेलिब्रेट्स मार्क्ड द रिवोल्ट हिस्ट्रिकल इवेंट इन 1857 व्हेन इंडियन सोल्डर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश सेटिंग ऑफ अदर अपराइजिंग्स एंड रिवेलेशन इन द कंट्री, जो वो अपना वो कर रहे थे, अपने फैल रहे थे, बढ़ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा अपने ताकत बढ़ा रहे थे, तो उन्हीं के खिलाफ विद्रोह किया गया था भारतीय सैनिकों के द्वारा, आज ही के दिन 1857 में, उसी के दिन को उत्सव के रूप में 2007 में भारत ने बनाया था 150वें वर्षगांठ के रूप में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड एस्ट्रोनॉट रिप्लेस पंप, टू एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट रिप्लेस ए पंप इन ऑर्डर टू सिक्स एन अमोनिया लीक इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कूलिंग सिस्टम, द एस्ट्रोनॉट्स कंप्लीट द इमरजेंसी वॉक स्पेस वॉक एन आवर अहेड ऑफ शेड्यूल एंड व्हाइल द लीक पोज्ड टू नो इमीडिएट थ्रेट टू द स्क्रू मैनेजर्स एंड वांटेड टू रिवॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों पंप के द्वारा बदला गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की शीतकलन प्रणाली में अमोनिया रिसाव को ठीक करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दो अंतरिक्ष यात्रियों ने एक पंप को बदल दिया था। बदला क्यों था, क्योंकि ये अमोनिया का रिसाव हो रहा था। अंतरिक्ष यात्रियों ने शेड्यूल से एक घंटे पहले इमरजेंसी स्पेस वॉक को पूरा कर लिया था, जबकि इस रिसाव के कारण चालक दल के प्रबंधकों को कोई खतरा नहीं था और वे इस समस्या को जल्दी हल करना चाहते थे। ऐसा जल्दी इसलिए किया गया था क्योंकि उनकी लगन, उनका मोटिव था, उनका मन था ऐसा, उनका अपनी भावना थी, उनकी अपनी इच्छा थी ऐसी, जिसके कारण उन्होंने एक घंटे शेड्यूल से पहले इसको काम को अंजाम दे दिया था, इस कार्य को अंजाम दे दिया था, सफलतापूर्वक किया था, और जबकि उनके ऊपर कोई खतरा नहीं था, जिसके कारण उन्होंने जल्दी किया, ऐसा नहीं है। आज के लिए हमने इतने ही टॉपिक कवर किए हैं जो कि हमें इम्पोर्टेंट लगे, और अगर आपका सहयोग और सपोर्ट मिलेगी तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और टॉपिकों की भी
नंबर्स बढ़ा देंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।